औली ग्राम पंचायत के सरपंच मनीष धीरज पाटिल का जन्मदिन भिवंडी स्थित पद्मनगर नारायण कंपाउंड भिवंडी मनपा प्रभाग समिति 3 के माजी सभापति वैसबी पाटिल फाउंडेशन अध्यक्ष सुनील जी पाटिल के जनसंपर्क कार्यालय पर भिवंडी मनपा प्रभाग समिति 3 के माजी सभापति वैसबी पाटिल फाउंडेशन अध्यक्ष सुनील जी पाटिल व उनके समर्थकों द्वारा केक काट कर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और औली ग्राम पंचायत के सरपंच मनीष धीरज पाटिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी तथा लंबी उम्र की कामना की। तो वहीं आगे हम आपको बता दें कि औली ग्राम पंचायत के सरपंच मनीष धीरज पाटिल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज फिर रमेश कुमार शर्मा, शशिकांत कामले, मंगेश श्री मल्ले, लक्ष्मी चौहान, ज्योत्सना भोईर, इन सभी लोगों को बैंक के माध्यम से 1-1 लाख रुपए का चेक वितरण किया गया। इसके पहले भी भिवंडी मनपा प्रभाग समिति 3 के माजी सभापति वैसबी पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील जी पाटिल द्वारा कोरोना वायरस की महामारी के संकट को लेकर बेरोजगार व जरूरतमंद 46 लोगों को 45,50,000 रुपए का चेक वितरण किया गया। आज भी 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए का चेक बैंक के माध्यम से वितरण किया गया। अभी तक 51,50,000 रुपए का चेक बैंक के माध्यम से 51 लोगों को दिया गया और आगे भी गरीब और जरूरतमंद लोगों को बैंक के माध्यम से चेक का वितरण करते रहेंगे। ऐसी जानकारी भिवंडी मनपा प्रभाग समिति 3 के माजी सभापति वैसबी पाटिल फाउंडेशन अध्यक्ष सुनील जी पाटिल ने दी है। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। इस बार फुल बहुमत से उनको जिता के लाने का है। कैसे भी जितने भी लोन वाले लिए हैं उनको फुल बहुमत से चुन के लाने का एकदम इतना मेरा कहना है। धन्यवाद। हमारे तरफ से भाव को लाख लाख धन्यवाद है। हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय लोगों का भी लाख लाख धन्यवाद है भाव को। अब की बार हम लोग भाव को जिताएंगे। अब की बार भाव से जाएंगे। भाव के द्वारा हमको 1 लाख के चेक मिला है, इनके लिए धन्यवाद। सुनील पाटिल भाव उत्तर पे 1,00,000 रुपये चेक भेटलेला है। आम्ही भाऊ सर खूप आभार आहे की त्यांनी 1,00,000 रुपये मदत करून मदत करतात, मदत कार्य करत आहे। धन्यवाद करतो त्यांचा की 1,00,000 रुपये मदत केली। पैशाचं काहीतरी बिझनेस करणार आहे, रोजगार काहीतरी करणार आहे। फुल सपोर्ट आहे, 1,00,000 रुपये मदत केले हे तर केलेच आहे, पण आपल्यातर्फून भरपूर मदत हे करणार। त्यांनी कोणती अशी कोणती मदत नाही केली। भाऊनी जे समजलं मनामध्ये समजले, लॉकडाऊन लागलेला लॉकडाऊनमध्ये कोणी कोणामध्ये पैशाचं म्हणजे आर्थिक मदत केली भाऊनी, खूप खूप धन्यवाद। औली गावचा माजी सरपंच धीरज बाबूराव पाटील यांना आदरांजली वाहून आणि त्यांच्या सुपुत्र औली गावचा सरपंच विद्यमान सरपंच मनीष धीरज पाटील यांना उदंड आयुष्याच्या माता जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करून मनीष धीरज पाटील इनका जन्मदिन आहे। मैं जन्मदिन के ऊपर मैं इतने बात कहना चाहता हूँ कि उनका जो वारसा है उसके पिताजी स्वर्गीय धीरज बाबू पाटिल और उनके बड़े पिताजी के समान सुरेश बाबू पाटिल, इनके कदमों के ऊपर चल के आज उन्होंने एक मुकाम हासिल किया और औली ग्राम पंचायत जो सक्षम ग्राम पंचायत है उसके सरपंच बने, जो कम उम्र के सरपंच बनने का भी एक कीर्तिमान उनके नाम पे दर्ज हुआ। आज उनके कई कंधे से कंधे मिला के सुनील पाटिल हो, हमारे उनके बंधु सभी चाचा सभी के आशीर्वाद से आज बच्चा आगे जा रहा है, वो मेरा भांजा लग रहा है। मैं इस उपरांत में एक ही बात कहना चाहता हूँ क्या ये जो उनकी कहीं ना कहीं उन्नति है वो देखने के लिए उनके पिताजी आज जीवित होने चाहिए थे कि आपने अपने लड़के ने आपके कदम के ऊपर पैर रख के आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि छोटे से एक गांव से उठ के आज इतना बड़ा उनका सत्कार, आज उनका जन्मदिन पूरे भिवंडी में मनाया जा रहा है। ऐसा ही नहीं पद्मनगर हो, कामतगढ़ हो, आज हमारे गाँव के छोटे छोटे बच्चे थे मेरे पास आए सुबह, हमारे को हमारे भांजे का जन्मदिन मनाने का है। मैंने कहा आपकी एक दुआ ही उसको उसके पुण्य को मिलेगी, क्योंकि
आज उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा वारसा उन्होंने खानदान में लिया है, वो खानदान को आगे बढ़ाने का काम सुनील पाटिल और मनीष पाटिल आगे बढ़ाएंगे। और वो कदम जो आज वो चूम रहे हैं, आज उन्होंने कम से कम 51 लोगों को उनकी रोजी रोटी कमाने के लिए सुनील पाटिल ने बेरोजगार सारा बेसारा जिनको सारा देने का काम किया, ऐसे लोगों को भी याद रखना चाहिए जब वो वक्त में जब काम आते हैं। आज मैं कहीं ना कहीं देखता था, जब मैं छोटा था, जब हमारा इनका रिश्ता हुआ, तब सुरेश बाबू पाटिल 20 वार से 30 साल से नगर सेवक है, और ये 20 साल नगर सेवक होने के बावजूद पूरे पद्मा नगर का नहीं पूरे भिवंडी का विकास उन्होंने किया है। जब बांधकाम चेयरमैन थे, नियोजन समिति के चेयरमैन थे, तब उनके राज में जो बिल्डिंग आज भी बनी है, कहीं ना कहीं वो सराहना काम उन्होंने किया है। आगे चल के वो काम उनके दोनों लड़के वो खुद उनका खानदान बढ़ाएगा। मैं मनीष धीरज पाटिल इनको मेरे परिवार की तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहो और खुशियाँ आपके गगन चूमे। इतना बोल के आज जन्मदिन के ऊपर मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
मुझे जो इतना प्यार मिला है सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कार्यक्रम किया गया युवा सरपंच ओली गांव ग्राम पंचायत मनीष धीरज पाटिल, आज पूरे शहर में बड़े उल्लास से इनका बर्थडे जो है सेलिब्रेशन कर किया जा रहा है। लोगों के प्रति, इनके प्रति लोगों का प्यार आज देखने को मिला। उसी तरह उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। आज हमें 5-6 बांटे, आज कुल मिला के 51 लाख रुपए बांटे हैं 51 लोगों को। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।